What is a verb? My name is Sangeeta Mehta. Today, I explain about the verb. Verb is a very important topic. There are many kinds of verb. And first of all, we have to understand about the verb. First of all, you understand what is a action verb and what is a stative verb. But both are in the verb chapter. What is a verb? Verb kya hai? Verb is an action. Yes, verb is an action word. And state of being, okay? It's correct. But there is the means ki किसी काम का होना या करना पाया जाए तो उसे वर्ब कहते हैं. ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्शन वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब. नाउ आई एक्सप्लेन टू यू द डिफरेंस बिटवीन बोथ. एक्शन वर्ब्स deals with action. Okay, action words means which kind of action words? Walking, running, talking, like that. Action verbs action ko express karte hain, yani kisi gatividhi ka विवरण देते हैं. जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग और इनका प्रयोग सभी कालों में यानी सभी टेंस में किया जा सकता है. अब जैसे ये इन एग्जांपल, मार्क इज रनिंग फॉर द ट्रेन. अनीता हैज just bought a new camera. अब देखा जाए तो running क्या है? What is this running? Running is the action verb. Action हो रहा है ना, भागने का, जैसे action होता है. Running, भागना, आप देखते हो ना, जब आप भागते हो तो आप action कर रहे हो, तो running क्या है? Action. अब bought, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वो भी action हुआ ना, bought खरीदने का. लेकिन जो स्टेटिव वर्ब है वो डिफरेंट है. मींस उनका रिलेशन ओनली फीलिंग से जुड़ा है. जैसे फील, हियर. अब आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेशन देंगे? सी, देख रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं. तो स्थिति सूचक क्रियाएं किसी स्थिति का विवरण प्रस्तुत करती हैं, ओके? और ये ज्ञान इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं, मींस ये फीलिंग से संबंधित होंगी. ठीक है, इसको समझने का मेन आधार डिफरेंस क्या हुआ, स्टेटिव का और एक्शन वर्ब का, दोनों में बहुत गहरा डिफरेंस है. जो स्टेटिव वर्ब्स हैं वो क्या है, वो फीलिंग पे आधारित है, ज्ञान इंद्रियों से आधारित है. जैसे स्मेल करना, हियर करना, जैसे टेस्ट करना, इस तरह से. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ एक्शन में एक्शन करेंगे, एक्शन वर्ब में एक्शन वर्ड्स जुड़ेंगे और स्टेटिव में स्टेटिव वर्ड्स जुड़ेंगे. अब आता है वर्ब्स क्रिया, यानी कौन कौन से हैं वर्ब, इनके मुख्य क्या है, कितने रूप हैं, कितनी क्रियाएं हैं ये. तो संभवतः हम देखा जाए तो जो मेन वर्ब है वे क्रियाएं हैं जो हमारी क्रियाशीलता यानी हम क्या कर रहे हैं उसको दर्शाती है. अब क्रियाशीलता को दर्शाएंगी तो कैसे दर्शाएंगी, जैसे रन है ना, इस तरह से.
अब आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में सहायक क्रियाएं, वे क्रियाएं प्रयोग विभिन्न काल वाचक प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में गठन में होता है। मतलब ये हैं, जैसे आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हैं, बी हैव डू, इस तरह से इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स कौन सी हैं, यानी वृत्तिवाचक क्रियाएं, वे क्रियाएं जो विभिन्न प्रकार के अर्थों का समावेश करते हैं, जैसे क्षमता तथा बाध्यता, कैन कुड मे माइट और वुड। मेन वर्ब्स में आ गया, आपको मैंने बता दिया, ऑक्सिलरी बता दिया, ऑक्सिलरी में बी हैव और डू, और मॉडल वर्ब्स में मैंने बताया आपको वर्ड्स कैन कुड मे माइट और वुड, एक्सप्लेन कर दिया मैंने अच्छे से आपको। अब आता है हमारा प्रिंसिपल वर्ब्स, यानी मेन वर्ब्स, ए वर्ब दैट डज मेन वर्क इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और मेन वर्ब। मेन वर्ब वही होगी जो जो मुख्य कार्य करेगी सेंटेंस में, जैसे आई प्ले, अब प्ले क्या है, मेन वर्ब है, मुख्य कार्य करी, हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। यू आर ईटिंग, अब ईटिंग क्या है, तुम मुख्य कार्य कर रहे हो, खा रहे हो, तो ईटिंग इज द मेन वर्ब। दे हैव ईटन, अब वे खा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, ईटन मुख्य कार्य, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो जाना उसका मुख्य कार्य हुआ, यानी मेन वर्ब हुई, ही इज अ बॉय। अब ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब देखिए, जो वर्ब वाक्य में अंग्रे अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती हैं, अकेले या सहायक यानी प्रिंसिपल या मेन वर्ब कहलाती हैं। अब द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स, या अकेले भी आ सकती हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी मिलकर सेंटेंस बना सकती हैं। आई प्ले, अब प्ले यहाँ पर अकेले है, ये मेन वर्ब है। यू आर ईटिंग, ईटिंग क्या है, खाना, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है, आर के साथ। दे हैव ईटन, वे खाते हैं, तो वे हैव के साथ है, हैव के हेल्पिंग वर्ब। ही इज गोइंग, वो जा रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना इज और गोइंग का, तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग क्या है, मेन वर्ब। ही इज अ बॉय। अब ये कंप्लीट है आपका टुडे, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मुझे लगता नहीं है आपको मेन वर्ब में और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस ना मिले, अब आप अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। लेकिन मेन वर्ब भी दो प्रकार के, इसके भी टू काइंड्स हैं, कौन कौन से हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया। अब देखो डिफरेंस है, बोलने में ही डिफरेंस है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो है जिन क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट लगाया जाता है ट्रांजिटिव वर्ब के एकदम बाद से। ठीक है, अब मैं फिर से आपको बताती हूँ, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बहुत अच्छे से अपनी मैगजीन में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इन बातों को, आप प्लीज क्लियरली इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर रीड्स क्या है, रीड्स है यस, ऑब्जेक्ट क्या है आपका बुक, और रीड्स क्या है वर्ब, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ की गई है यूज। ही नोज मी, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ ही नोज मी, मी ऑब्जेक्ट, नोज, नोज क्या होता है, जानना, ओके, ये भी क्रिया है ट्रांजिटिव।
यू राइट अ लेटर, राइट क्या है वर्ब, अ लेटर, लेटर क्या है ऑब्जेक्ट, आई लाइक दिस पेन, लाइक पेन है ना ऑब्जेक्ट, रेखा सिंग्स अ सॉन्ग, रेखा सिंग्स, सिंग्स क्या है वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, तो इन दिस वे द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब, क्लियर। अब देखिए रीड्स, नोज, राइट, लाइक, सिंग्स मेन वर्ब्स हैं, ये सभी ट्रांजिटिव वर्ब्स भी हैं क्योंकि इनके बाहर ऑब्जेक्ट्स, अ बुक, मी, अ लेटर, दिस पेन, अ सॉन्ग यूज किया है ना। वर्ब के साथ व्हाट या हूज लगाकर पक्ष करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यदि उत्तर ना मिले तो वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब जैसे मैं ये बोलती हूँ, देखो ही रीड्स अ बुक, क्या पढ़ रही हूँ मैं, ही रीड्स, मैं क्या पढ़ रही हूँ, अ बुक, बुक पढ़ रही हूँ ना, ही नोज मी, कौन जानता है मुझे, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मी, मी है इसमें ऑब्जेक्ट। You write a letter, लिख रही है, तुम लिखते हो, क्या लिख रहे हो, a letter, I like this pen, मैं पेन पसंद करती हूँ, I like, क्या पसंद कर रही हूँ, this pen, pen, रेखा sings a song, रेखा गा रही है, क्या, एक song, in this way। अब आता है आपका intransitive verb, क्या है intransitive verb, देखो डिफरेंस समझ लेना, यहीं पर डिफरेंस मिलेगा। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, वो वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ओके। और इनट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, बिना ऑब्जेक्ट के जो वर्ब यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। अब जैसे एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको, द बॉय रन्स, लड़का भाग रहा है, शी वियर्स, सॉरी शी वीप्स लाउडली, राधा इज स्लीपिंग, दे लाफ्ड एट हर, वी वेंट ऑन फूट। तो यहां पर व्हाट या हुम का प्रयोग करने पर उत्तर कुछ भी प्राप्त नहीं होता, लग ही नहीं सकता। अतः इन वाक्यों में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट प्राय नाउन या प्रोनाउन होते हैं, लेकिन यहाँ यूज नहीं हुआ ना। अतः उपयुक्त सभी वर्ब्स रन्स, वीप्स, स्लीपिंग, लाफ्ड तथा वेंट क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, नाउन नहीं है इसमें। द बॉय मी वैसे तो है, लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिए, द बॉय रन्स, अब रन्स क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पीछे, रन्स के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है, लाउडली के बाद नहीं आया, वीप्स के बाद, लाफ्ट के बाद, इस तरह से ये क्या है, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, इनट्रांजिटिव विदाउट ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं फिर से बहुत अच्छे से। अब कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों में यूज होते हैं, ट्रांजिटिव में भी और इंट्रांजिटिव में। वी फ्लाई काइट्स, बर्ड्स फ्लाई, डिजॉल्व शुगर इन वाटर, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। अब ये दोनों प्रकार से हो रहे, बन रहा है ना सेंटेंस, द प्योर रिंग्स अ बेल, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट आ रहा है ना वर्ब के बाद, लेकिन द बेल रिंग्स, अब यहां पर ऑब्जेक्ट वर्ब के पीछे नहीं आ रहा।
अब आएगा आपका नेक्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब मैं आपको टुमारो आई रिपीट ऑल दीज थिंग्स विद द न्यू टॉपिक ऑक्सिलरी।